In last video we have seen the effective power is thrust power into hull efficiency. There is one term known as QPC, quasi propulsive coefficient. ये क्यों आया? तो जो हमारा इफेक्टिव पावर निकालना होता है, इफेक्टिव पावर को डिलीवर्ड पावर इनटू और क्यूपीसी लिखें, क्यूपीसी, तो वी गेट इफेक्टिव पावर. तो ये जो बीच का अपना एलिमिनेट करता है क्या क्या, हल एफिशिएंसी, हल एफिशिएंसी एंड प्रोपेलर एफिशिएंसी, इन दोनों को एलिमिनेट करके कॉमन टर्म है क्यूपीसी. ये कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ओवरऑल ये बेसिकली क्यूपीसी दिखा देता है, हल एफिशिएंसी एंड प्रोपेलर एफिशिएंसी कंबाइंड. तो इफेक्टिव पावर इज डिलीवर्ड पावर इनटू क्वासी प्रोपल्सिव कोएफिशिएंट. द क्वासी वर्ड स्टैंड्स फॉर बिकॉज दिस इज, अगर हम पूरा जहाज का देखें, इंजन से जो पावर निकला है टू द इफेक्टिव पावर, अगर हम पूरा एक वर्ड अगर लिखें सीधे, द शाफ्ट पावर इनटू ए कोएफिशिएंट इज इक्वल टू इफेक्टिव पावर, तब वो एक प्रॉपर रियल प्रोपल्सिव कोएफिशिएंट कहलाएगा. ये मैकेनिकल लॉसेस, ट्रांसमिशन लॉसेस, ये सब को इंक्लूड नहीं किया इसमें, ये इसलिए क्वासी टर्म इसमें लगता है. नेक्स्ट आता है प्रोपल्सिव कोएफिशिएंट. प्रोपल्सिव कोएफिशिएंट क्या बोलता है कि अगर शाफ्ट पावर हमारे पास अवेलेबल है, अगर इसमें प्रोपल्सिव कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करें तो डायरेक्ट हमको इफेक्टिव पावर मिलता है. यह है तो यहाँ पे प्रोपल्सिव कोएफिशिएंट क्या क्या कवर कर रहा है, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, प्रोपेलर एफिशिएंसी और क्या हो गया, हल एफिशिएंसी, ये सब सबको कंसीडर कर रहा है ये. तो ये सब के बदले का है इसमें, और इसमें इन सम केसेस दिस इज आल्सो, इफ इट इज रिटन इन सम केसेस यू विल फाइंड इंडिकेटेड पावर इनटू प्रोपल्सिव कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट इक्वल टू इफेक्टिव पावर. इन दिस केस यू आल्सो इंक्लूड मैकेनिकल लॉसेस, दैट इज इंडिकेटेड पावर टू द शाफ्ट पावर. तो ये है प्रोपल्सिव कोएफिशिएंट. तो अगर हमको इफेक्टिव पावर रिक्वायर्ड पता है कि 300 किलोवाट लगेगा एंड वी नो द प्रोपल्सिव कोएफिशिएंट ऑफ द शिप, देन वी कैन डायरेक्टली डिवाइड बाय द प्रोपल्सिव कोएफिशिएंट. तो 300 में अगर से 0.75 इज द प्रोपल्सिव कोएफिशिएंट, तो ईपी में 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे, 300 में 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो शाफ्ट पावर होना चाहिए 400 किलोवाट. और अगर इस वाले केस का है तो इंडिकेटेड पावर शुड बी 400 किलोवाट. अभी पिच मेजरमेंट से रिलेटेड, इफ दिस इज द प्रोपेलर ब्लेड, और अगर प्रोपेलर को एक्चुअली हम फिक्स करके एक जगह पे टर्न करें, लाइक द शिप इज टाइड इन बर्थ एंड देन यू टर्न द प्रोपेलर बाय वन रिवोल्यूशन, तो ये जो पॉइंट है एट आर रेडियस, अगर बॉस है, दिस इज द प्रोपेलर एंड ये जो सेक्शन है, दिस सेक्शन इज शोन हेयर इन हॉरिजॉन्टल कंडीशन. तो ये if this is the radius of this section is r, so if it is rotated by one revolution, so ye travel will be 2 pi r. So ye if the ship has not moved or the shaft has not moved by any axial direction, then ye aise ek revolution ghoom ke ruk jayega and the total travel of this point will be 2 pi r. But agar in second case, if it is moving like a nut, it is not slipping in water, तो ये पूरा एक पिच ट्रैवल करेगा, तो इस एंगल के अलॉन्ग चलेगा. इसको डिस्क अगर इसको ऐसे गोल कर दें हम,
अगर इसको ऐसे राउंड कर देंगे, if we turn it like this, then the path will be like this. देखो ऐसा हेलिकल ऐसा घूमता जाएगा एंड सेम इसी पॉइंट पे आके मिक्स मैच करेगा ऐसा. तो इससे हम tan थीटा कैलकुलेट करते हैं, तो tan थीटा इक्वल टू पी बाई टू पाई आर. अब पिच जो है प्रोपेलर के इसका इस सेक्शन पे पिच उतना ही होना चाहिए, सेक्शन पे पिच इतना ही होना चाहिए आइडियली, बट नॉर्मली इट इज़ नॉट देयर बिकॉज वेक फ्लो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होता है तो पिच डिफरेंट रहता है, बट आइडियली द पिच इज सेम एट ऑल द पॉइंट. तो अगर पिच सेम है एंड तो डिफरेंट डिफरेंट रेडियस पे थीटा विल बी नॉट सेम. यहाँ पे थीटा अलग रहेगा, यहाँ पे थीटा अलग रहेगा, यहाँ पे ट्विस्ट अलग रहेगा. तो प्रोपेलर का जो रूट पे जितना एंगल है एंड टिप पे एंगल विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सिस विल हैव डिफरेंट एंगल. एट लोअर एंगल इफ द एट लोअर रेडियस एट रूट इफ यू कंसिडर द थीटा विल बी मच हाइयर बिकॉज रेडियस इज लेस, पिच विल रिमेन सेम, द थीटा विल बी हाइयर. एट टिप द थीटा विल बी लोअर. मेजरमेंट कैसे करते हैं? मेजरमेंट करने का तरीका है वो, इफ यू डोंट नो अबाउट द पिच, कितना पिच है, यार्ड का रिपोर्ट्स नहीं है, कुछ नहीं है अपने पास, इन दैट केस क्या करेंगे, ब्लेड को विल टर्न टू हॉरिजॉन्टल पोजिशन. एक ब्लेड को इसको टर्न करके इस पोजिशन तक लेके आएंगे ऐसा. तो टर्न करेंगे तो उसका सेक्शन किसी भी रेडियस पे अगर हम कंसिडर करते हैं, मान लो ऐसा फेस है तो ये आर रेडियस पे है सेक्शन. तो इसमें क्या करते हैं, एक ऐसा टूल है और इसके सेंटर ये एक मूविंग पार्ट है जिसका रोटेट. इस पे एक लिक्विड वो स्पिरिट लेवल गेज है जो हम जिससे हम इसको चेक कर सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल हो गया कि नहीं. और इसमें एक साथ में एक ऐसा पॉइंटर है, देयर इज अ पॉइंटर. इसमें ऐसा ऐसा आर्क बना हुआ डिफरेंट 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 रेडियस पे. तो इफ वी आर मेजरिंग एट 1 meter रेडियस, तो 1 meter का लाइन अगर ये है, ये डिफरेंट डिफरेंट रेडियस है, तो इधर पिच लिखा रहेगा. तो फॉर सेम एंगल अगर ये मान लो ये मान लो 10 degree ही है वर्टिकल से, तो 10 degree है, बट रेडियस अगर ज़्यादा रहेगा तो पिच कितना होता है, पिच इक्वल टू 2πr tan थीटा. पिच इक्वल 2πr tan थीटा. तो ये अगर हॉरिजॉन्टल से अगर यहाँ पे 10 degree ही है वर्टिकल से जो भी एंगल है, तो विद डिफरेंट एंगल वी विल हैव डिफरेंट पिच. तो अगर हम 1 meter पे मेजर कर रहे हैं तो 1 meter वाला लाइन पे पिच दिया रहेगा कितना कितना हो सकता है एंगल के हिसाब से. ये 2 meter का लाइन है, 3 meter का है, 4 meter का, 5 meter का, जो डिफरेंट लाइन पे हम चेक करेंगे, जिस रेडियस पे चेक करें उस रेडियस के लाइन से हम चेक करेंगे ये चीज़ कि कितना पिच है इसका. इसको कुछ नहीं करना है, हॉरिजॉन्टल में इसको सेट करते हैं. पहले इसमें टच कराया ये आर्क को जिसमें ग्रेजुएशन बना हुआ है, मार्किंग बना हुआ है, एंड देन ये जो मूविंग पार्ट है इसको इसी में फिट है ये. इसको हॉरिजॉन्टल करेंगे, हॉरिजॉन्टल करने के लिए इसमें स्पिरिट लेवल गेज है, स्पिरिट लेवल गेज से हम हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं. हॉरिजॉन्टल कर लेंगे तो अपना यहाँ पे दिख जाएगा हमको, ये हॉरिजॉन्टल करते ये लाइन जहाँ पे अगर 2 meter पे चेक करा तो 2 meter वाला लाइन पे आके चेक करेंगे कि कितना इसमें डिविजन दिया रहेगा पिच का, हमको दिख जाएगा कितना पिच है. ये एक बेसिक मेथड है. दूसरा मेथड और है एक, इन दैट इफ अगेन सेम है इन दिस केस ऑल्सो, इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया टर्न करके एंड देन एक इसमें एक रोप लगाते हैं विथ वेट. तो ये अपना दोनों वर्टिकल रहेगा बाय ग्रेविटी. इस पर किसी भी लाइन पे अगर एक हम हॉरिजॉन्टल ऐसा लगाएं डेटम, मेजरमेंट के लिए एक डेटम लगाएंगे, ये हॉरिजॉन्टल रखना है, इसमें भी स्प्रिट लेवल गेज लगा के हॉरिजॉन्टल करेंगे इसको. तो ये हमको अगर किसी भी पॉइंट पे अगर हम इसको यहीं पे मेजर करेंगे, इनफैक्ट सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ मेजर करेंगे, यहाँ पे मेजर करेंगे, तो ये डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं डेटम पे कितना है और इसका मेजरमेंट ले सकते हैं कितना है. तो ये थीटा डायरेक्टली निकल जाएगा अगर ये
तो ये हमारा पिच कहलाए, बैटन जो है ये वाला, इस पे जो मेजरमेंट आएगा ये पिच कहलाएगा, पिच नहीं कहलाएगा, ये वैल्यू हमको मिल जाएगा कितना है, अगर एल आया और ये से डी है तो टेन थीटा इक्वल टू एल बाई डी आएगा। इससे हमको पता चल जाएगा कि कितना है इसका एंगल, पिच एंगल, पिच एंगल पता चल गया। तो टोटल पिच निकालने के लिए टेन थीटा इंटू टू पाई आर, तो इससे हमारा पिच निकल आएगा। इस आर रेडियस पे है ये वाला सेक्शन, नाउ कैविटेशन। कैविटेशन का पता है क्या होता है, जब भी अगर ये सेक्शन है ब्लेड, ब्लेड सेक्शन, तो नॉर्मली रनिंग के टाइम पे प्रेशर डिफरेंस कैसा होता है, ये साइड, दिस साइड विल बी लो प्रेशर, तो इधर इधर ऐसा माइनस प्रेशर वाला प्रोफाइल बनेगा। दिस इज हाई प्रेशर, दिस ड्राइविंग फेस है इधर, ये है फॉरवर्ड साइड में रहेगा, ये आफ्ट साइड में, इस साइड में पॉजिटिव प्रेशर रहेगा, पॉजिटिव प्रेशर। तो किसी भी टाइम पे अगर ये जो ए वाटर का एट एनी गिवन टेम्परेचर से एट 40 डिग्री, फॉर एग्जांपल एट 40 डिग्री अगर वेपर प्रेशर है, सेचुरेशन प्रेशर है पानी का 0.1 bar एट एब्सोल्यूट, तो अगर 40 डिग्री पे वाटर का सेचुरेशन प्रेशर 0.1 bar एब्सोल्यूट है, तो 40 डिग्री पे इफ द प्रेशर इज, प्रेशर इन दिस एरिया इज लेस देन 0.1 bar, द वाटर स्टार्ट्स बॉयल, स्टार्ट टू बॉयल। जो फ्रेश वाटर जनरेटर में हम लोग क्या करते हैं, उसका वेपर प्रेशर अंदर वैक्यूम बना देते हैं, तो इट स्टार्ट्स बॉइलिंग एट वेरी लेस टेम्परेचर। सेम यहाँ पे भी, अगर यहाँ पे प्रेशर इतना कम हो जाए कि 40 डिग्री सेल्सियस पे वो फ्लैश कर जाए, तो एक एयर बबल क्रिएट हो जाएगा इसमें, एयर और वेपर बबल, पानी में जो इंट्रैप्ड अपना एयर है वो भी बबल में आ जाता है, और साथ में ये अपना वाटर वेपर भी जनरेट होकर बबल फॉर्म करेगा यहाँ पे। बट ये जो प्रेशर है, एज सुन एज इट कम्स टू दिस साइड, जैसे ही हायर प्रेशर वाले एरिया में आएगा, पूरा नॉर्मली ऐसा रहता नहीं है, ये तो ऐसा डिजाइन का ब्लेड बना है। नॉर्मली अभी हमने क्या देखा था, ब्लेड का प्रोफाइल एरोफॉयल जैसा रहता है, तो ये एरिया ऐसा रहता है निगेटिव, ये वाला एरिया में ऐसा रहता है निगेटिव, तो यहाँ ये इस वाले जोन में आते हैं तो प्रेशर बढ़ने लगता है, एंड एज वी रीच इन दिस सेक्शन तो प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वापस जो वेपर बॉल है वो कोलैप्स हो जाएगा। अब कोलैप्स करेगा इन सब प्लेसेस पे आके, तो जैसे यहाँ कोलैप्स करेगा तो वो आपस में बहुत तेजी से इम्प्लोड करता है, इम्प्लोड करता है तो हिट करेगा सरफेस को और इरोजन होगा, तो ये पार्ट जो है बहुत तेजी से डैमेज होगा। तो यहाँ पे चूंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हुआ है, यहाँ पे फ्लैश करेगा, बबल फॉर्म करेगा और इधर आके क्रश हो जाएगा। तो और ये कैसे कैसे बढ़ता जाएगा, जब अपना स्पीड बढ़ाएंगे अगर प्रोपेलर का, इफ़ द प्रोपेलर स्पीड इज़ वेरी हाई तब ऐसा होगा, अगर प्रोपेलर का जो ब्लेड्स है बहुत पतला है तो ज़्यादा लो प्रेशर इधर क्रिएट होता है, अगर ये बहुत बड़ा प्रेशर ब्लेड होता तो ये प्रेशर जो है डिस्ट्रीब्यूट होता और कम प्रेशर होता। फिर अगर रूट के पास देखें, रूट के पास ये कहीं आर रेडियस पे है, इफ वी कंसीडर रूट, रूट पे क्या होता है, द एंगल इज वेरी हाई, एंगल वेरी हाई है, तो ये जो एंगल ऑफ अटैक बहुत ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे प्रोफाइल और स्टीप रहता है, प्रोफाइल निगेटिव वाला, तो यहाँ पे बहुत तेजी से प्रेशर लो होता है इस आगे में, क्योंकि एंगल बहुत ज़्यादा है, एंगल ऑफ अटैक बहुत ज़्यादा रहेगा, एंगल ऑफ अटैक रूट पे, क्योंकि रूट पे हमने क्या देखा था कि थीटा डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे, ये थीटा है इस पॉइंट पे ज़्यादा रहेगा, इस पॉइंट पे कम रहेगा, तो यहाँ पे ज़्यादा ट्विस्टेड है, तो यहाँ पे ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट होगा पीछे वाले साइड में, एंड इन दैट केस यू विल हैव ज़्यादा लो प्रेशर होगा, उस वजह से ज़्यादा कैविटेशन होगा इस एरिया में। टिप का भी अपना एक डिसएडवांटेज है, टिप में जो सरफेस पे स्पीड है, जो टेंजेंशियल स्पीड, क्योंकि ये बहुत सेम स्पीड पे चल रहा है, बट यहाँ पे पानी का स्पीड कम है और पानी का स्पीड ज़्यादा है,
इस वजह से यहाँ पे कैविटेशन ज़्यादा आता है। इसमें लीडिंग एज पे ही इधर भी कैविटेशन होगा, और इसमें भी। इसको कम करने के लिए क्या करते हैं, या तो हाँ जो ऐसा करें कि ये यहाँ पर से सेपरेशन स्टार्ट हो जाए, अगर बबल एयर बॉल्स ये स्ट्रीमलाइन फ्लो टर्बुलेंस में कन्वर्ट हो जाए, तो ये जो बॉल क्रश होता है वो इधर क्रश नहीं होगा, इधर कहीं दूर जा क्रश होगा वाटर वेव में। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे सुपर कैविटेटिंग प्रोपेलर्स कैसे काम करता है। इसका हार्म क्या क्या है, डिसएडवांटेजेस, एफिशिएंसी कम होता है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इरोजन, इरोजन ऑन द ब्लेड्स, तो वीक होता जाएगा, एंड वीक भी हो जाएगा, एंड सरफेस फिनिश, सरफेस स्मूथनेस गोज अवे। जैसे सरफेस फिनिश स्मूथनेस खत्म होगा तो फ्रिक्शनल लॉसेस बढ़ना चालू हो जाएगा। तो इसलिए जब भी यार्ड में जाते हैं ड्राई डॉक में, तो इसको पॉलिश करते हैं, जो टिप में कितना कैविटेशन हुआ उसको पॉलिश करके ख़त्म करते हैं, सो दैट वो जो फ्रिक्शनल लॉसेस है वो कम हो। ये इसका डेट्रीमेंटल इफेक्ट बोलते हैं। इससे क्या क्या लॉसेस है, इसका मेन लॉस है कि हमारा इरोजन होगा, ईट खा जाएगा ब्लेड को, एंड उसके वजह से सरफेस स्मूथनेस भी ख़त्म होगा, एफिशिएंसी भी डाउन होगा, तो इसलिए डिजायरेबल नहीं है ये ज़्यादा। इसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, हाउ टू अवॉइड में, और ये जैसे 40 डिग्री पे 0.1 बार पे बॉयल होता है, अगर 50 डिग्री रहेगा टेम्परेचर तो 0.2 बार पे ही एवेपरेट हो जाएगा। तो हायर सी वाटर टेम्परेचर ऑल्सो, इसका एक फैक्टर में हायर सी वाटर टेम्परेचर भी है जो कि ज़्यादा उसमें हार्म करेगा ये सब। हाउ टू अवॉइड में क्या क्या है, नंबर ऑफ ब्लेड्स, ज़्यादा रखना पड़ेगा, एरिया ऑफ ब्लेड्स हायर, लेस आरपीएम, लेस डायमीटर, और बाय डिजाइन भी हो सकता है कि जो स्क्यू है ब्लेड का, जो प्रोफाइल है, इफ इफ द ब्लेड इज मेड लाइक हाईली स्क्यूड ब्लेड अगर रहेगा, हाईली स्क्यूड, देन द इरोजन इज लिमिटेड टू दिस टिप ओनली, एंड एट टाइम्स इट द बबल्स द वोर्टेक्स जो है ये अपना, हाँ टिप वोर्टेक्स जो है ये इधर फॉलो करता रहेगा पानी में, इसका रोटेशन ऐसा है, तो इस एरिया को डैमेज नहीं करेगा, इसमें पानी के वेक में आके वो होगा, इम्प्लोड करेगा। सुपर कैविटेटिंग प्रोपेलर्स नॉर्मली जो है लो आरपीएम वाला प्रोपेलर्स में इतना हार्म नहीं, जो ज़्यादा स्पीड में चलने वाले जहाज हैं या बोट्स हैं उसमें ये सब ज़्यादा हार्म करता है। दैट्स इट।